भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक आलिया भट्ट किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं, चाहे उनकी शादी हो, उनकी बेटी हो या फिर उनकी कोई फिल्म हो। ऐसे में अभिनेत्री अपनी पर्सनल लाइफ के साथ ही प्रोफेशनल लाइफ के चलते भी चर्चा में बनी रहती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आलिया भट्ट बैक टू बैक प्रोजेक्ट साइन कर लगातार काम कर रही हैं, जहां आखिरी बार उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर देखा गया था, वहीं अब उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट जिगरा पर काम करना शुरू कर दिया है। आलिया भट्ट ने अपने फिल्म के सेट से तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। आलिया भट्ट ने पिछले दिनों करण जौहर के साथ एक और प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। वासन वाला द्वारा निर्देशित इस फिल्म का नाम जिगरा है। ऐलान करने के कुछ ही दिनों बाद अब आलिया भट्ट ने फिल्म पर काम भी शुरू कर दिया है। अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों के साथ फिल्म से जुड़े इस अपडेट को साझा किया है। अपने इंस्टा हैंडल पर सेट और अपनी वैनिटी वैन से कुछ बीटीएस तस्वीरें साझा की हैं। शूटिंग से तस्वीरें साझा करते हुए आलिया भट्ट ने लिखा, और हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जिगरा को जीवंत करने का पहला दिन। देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने दिल का एक टुकड़ा लेके आ रहे हैं। आगे के सफर के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड, लव टीम जिगरा। उनके हैंडल पर साझा की गई कई तस्वीरों में से एक में उनकी बहन शाहिन भट्ट भी नजर आ रही हैं, जो उनकी वैनिटी वैन में उनके साथ थी। पिछले हफ्ते करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे जिगरा की वापसी। आलिया भट्ट एक बार फिर वासन वाला द्वारा निर्देशित इस असाधारण कहानी पर अटूट प्यार और अटूट साहस की कहानी जिगरा 27 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में। इससे साफ होता है कि आलिया भट्ट की फिल्म अगले वर्ष 24 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। आलिया की यह घोषणा उनके पति रणवीर कपूर को ईडी से मिले नोटिस के कुछ ही घंटों बाद आई। ईडी ने छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी एप्लीकेशन मनी लॉन्ड्री मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरें जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।